हमारे साथ नुपुर हैं तैयार। नुपुर, क्या चल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, दाम बढ़ा सकती है लेकर कंपनी, जिस हिसाब से कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े थे, ग्रॉस मार्जिन्स दबाव में दिखे थे पिछले 2-3 क्वार्टर से। अब ये खबरें निकल के आ रही कि ये सारी कंपनीज अपने दाम बढ़ा सकती है फाइनल प्रोडक्ट को, क्योंकि एक्साइज में थोड़े बदलाव जो बजट चाहते हैं स्टेट के वहां पे हुए, तो इसके चलते इनको बेनिफिट होगा। अब जिस हिसाब से फ्रेट और जो ग्रेन के प्राइसेस थे, बाले के प्राइसेस थे, साथ ही साथ जो पैकेजिंग मटेरियल उनकी जो कीमत है वो काफी तेजी से भागती हुई नजर आई थी पिछले साल, और पिछले कुछ क्वार्टर्स में क्रॉस मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा दबाव दिखाता है। और ये कंट्रोल्ड मार्केट है, प्राइसेस को लेके रेगुलेशंस काफी ज्यादा होते हैं लिकर मार्केट में, तो कंपनीज अपने दाम इजीली बढ़ा नहीं सकती है। जो अभी राजस्थान का जब बजट आया था, यूपी का जब बजट आया था, वहां पे जो एक्साइज पॉलिसी में चेंजेस हुए थे, उसके बाद अब विंडो ओपन होता है इन कंपनीज के लिए कि अपने दाम सुधार सके, वहां पे बढ़ोतरी कर सके। ऑन एन एवरेज देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में करीबन 12% से प्राइस हाइक हो सकते हैं। प्रीमियम बियर की बात करें तो यहाँ भी 10% से अपनी कीमत बढ़ा सकती है कंपनी, और अक्रॉस स्टेट्स ऑन एन एवरेज प्राइस हाइक निकालेंगे तो 3 से 12% से ये कीमत बढ़ सकती है बियर और स्प्रिट्स की बात करें तो। अब इसके चलते पिछले क्वार्टर में देखा था यूनाइटेड स्प्रिट्स, यूनाइटेड ब्यूरिस और रेडिको खेतान, तीनों कंपनीज के जो ग्रॉस मार्जिन से करीबन 800 से 1000, मतलब 2 से 2.5% का जो फॉल था वहां पे नजर आया था। और कंपनीज के जब कॉन्फ्रेंस कॉल भी हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि जो प्राइसेज है अब वो बढ़ने वाले आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, जिसके चलते मार्जिन इंप्रूव होंगे। इतने कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी कंटिन्यू है, वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और डिमांड भी स्ट्रांग बनी रहेगी इन कंपनीज के लिए। डिमांड अच्छी है, डिमांड अच्छी है। चलिए, डिमांड अच्छी है यहाँ पर बनी हुई है। और लिकर स्टॉक्स पर रखें नजर, थोड़ा दाम भी बढ़ाने की तैयारी में है और मार्जिन्स भी देखिए अपने सस्टेन कर पा रहे हैं। देखते हैं इस बार कैसी इनकी